काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और बिफोर आ रहे हो आप बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप ऑन बोर्ड आए और वो भी दैट टू फ्रॉम टी सीरीज। एक्सपेक्टेशन तो था मुझे पहले से, बिकॉज एज गुरु इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर एज वी ऑल नो, एंड टी सीरीज टुडे इट्स द बिगेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब। सो एंड ये गाना काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम गुरुज रेगुलर सॉन्ग्स। सो एंड ही इज ट्राइंग हिज डांस मूव्स हियर एंड आई एम ऑल्सो डांसिंग द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग। एंड टी सीरीज के साथ मैंने पहले भी काफ़ी गाने किए हैं, फलक शबीर एंड और एक दो सिंगर के साथ, लेकिन लास्ट टाइम मेरे दो गाने रिलीज हुए थे, एक विनस से जो अमित मिश्रा और पलक मुच्छल के थे, और एक था दर्शन रावल के साथ, जिसके बाद आई गॉट इन टच विद टी सीरीज टीम एंड दे सेड दे वांट टू डू वन वीडियो विद मी। सो या दैट वे दैट जर्नी बिगिन। ओके ज़ारा, जितनी आसानी से आपने कह दिया उतना आसान तो सब कुछ हुआ नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आइए प्लीज़ कम ऑन बोर्ड, आप तीसरी साथ ऑलरेडी काम कर रही थी, और जब आपको ये पता लगा कि गुरु यू नो इज अ पार्ट ही बी देयर इन द वीडियो, क्या रिएक्शन था आपका और क्या ब्रीफ था जब आपको सबसे पहले नरेट करा गया कि तेरी थे के बारे में? ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जुबिन नौटियाल के साथ कर रही थी गाना, सो लेकिन वो भी रोमांटिक जोन में था, तो मेरे जितने पास के गाने हैं वो भी सारे रोमांटिक जोन में हैं, तो मुझे कुछ डिफरेंस चाहिए था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था टी सीरीज टीम से कि अगर एक मुझे डांस प्लेटफॉर्म मिल जाए दैट वुड बी ग्रेट। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली गुरु का ये गाना प्लान हो रहा था तेरे थे, सो दे आस्क मी इफ आई एम कीन ऑन दैट रदर देन दैट वन रोमांटिक वन, देन आई सेड यस ऑफ कोर्स। सो या गुरु रंधावा इज ए वेरी हॉट प्रॉपर्टी टुडे, सो या इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी आई बिलीव, सो दैट्स व्हाई। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन काम करने का, शूट करने का, दैट टू विद गुरु रंधावा, ही हिमसेल्फ इज अ लेजेंड हिमसेल्फ, यू नो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या रिटेक विटेक ज्यादा हुए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत स्मूथली गया एंड सब कुछ, बिकॉज़ सारे एक्सपीरियंस लोग थे, इवन मेलविन लुइस द कोरियोग्राफर ही सपोर्टेड अ लॉट, एंड जैसे हमारा कोई स्टेप जैसे यू नो टफ स्टेप या कुछ, तो ही इंस्टेंटली चेंज एंड इनटू समथिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन यू नो ग्रैब आराम से। एंड गुरु एज अ पर्सन, यस ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी डाउन टू अर्थ, एंड एज अ को स्टार ही इज वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव, सो वी डोंट कि मेलविन कर रहा है, मेलविन की डांस स्टेप्स बहुत खतरनाक होते हैं, बट जैसे हमने शुरू किया देन यस वी वेंट टू द फ्लो एंड वी स्टार्टेड डांसिंग, सो आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दैट रिहर्सल्स वी हैड डन, एंड हमारे पास काफ़ी टाइम कम था, वी हैड ओनली टू डेज टू रिहर्स, एंड इन टू डेज वी हैड टू डू ऑल द लाइक यू नो स्लॉट्स ऑफ द सॉन्ग्स, एंड बट इट वेंट वेल। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, कहीं आपको लगा था व्हाइल वर्किंग ऑन द एल्बम कि आप ओवरशैडो हो जाएंगे गुरु रंधावा से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, मुझे फील नहीं हुआ। इनिशियली जब मुझे प्रपोजल आया था तो थोड़ा सा ऐसा था मेरे माइंड में, बट जैसे हमने काम करना शुरू किया तो मुझे नहीं लगा कि कहीं पे भी, क्योंकि वहाँ पे इक्का का भी पार्ट है और गाना बहुत ही गर्ल फोकस्ड है, तो गाना ही जब गर्ल फोकस्ड है तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ थ्रू आउट द सॉन्ग आई वुड बी देयर, एंड या इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक इट वाज डिवाइडेड इन लाइक वी ऑल वेर देयर इक्वली, लाइक गुरु इवन इक्का ही हैज अ पार्ट, गुरु हैज अ पार्ट, आई हैव अ पार्ट, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक यू नो नाइसली प्लेस्ड। तो आप मानती, आप ये मानती हैं कि आप ओवरशैडो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, इवन मैं बोलूंगी कि मैं ज्यादा ही थी।
ओके, इसकी खास एक बात और भी रही है कि भूषण जी के बर्थडे पे इसको लॉन्च किया गया, फ्रॉम अट रॉन्ग, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, हाउ ट्रू इट इज, एंड और वो कैसे डिसाइड करा गया कि आज भूषण जी का बर्थडे है, यू नो वो तो टी सीरीज के करता धरता है, और कैसे डिसाइड करा गया कि उनके बर्थडे के दिन इसको, ये आई थिंक कोइंसिडेंटली हो गया शायद, एंड यस ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट डे फॉर टी सीरीज टीम, एंड कहीं आप अपनी तैयारी तो नहीं कर रही हैं, you know, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है कि बॉलीवुड में जाना है और फिल्में करनी है, बड़ा बड़े पर्दे पे काम करना है, ये क्या महज शुरुआत समझ लें जरा, यू नो डूइंग अ वार्म अप सेशन की डांस भी सीख लें और इसी बारे एल्बम का भी हिस्सा रहे, गुरु रंधावा जब भी काम कर लें, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड. वेरी ट्रू. आई स्टार्टेड माय करियर इन 2010 इन मॉडलिंग, तो ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज ओनली आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन बीटेक इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एंड दैट टाइम ओनली आई वाज डूइंग मॉडलिंग प्रोफेशनली. And I was a full-fledged model in Delhi, and I had done almost like many brands, prints and TV commercials. So when I settled down in Mumbai, I didn't actually focus to that part, modeling, because I had already done a lot of that projects. So my only focus was to grow myself as an actor, and that's what I'm doing. And I'm always more excited about if somebody's offering me something in acting platform where I can show my talent, yeah, that would be more preferable for me today. Okay, Zara, Me Too को लेके बहुत movement रहा है तनुश्री के कहने के बाद, क्या आपके करियर में, क्योंकि यू बिलोंग्स टू दिल्ली, आपने मॉडलिंग का एक दौर देखा, फिर आपने दिल्ली से मुंबई की तरफ रुख किया, करी लड़की बम्बई शहर आना, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना और गुरु रंधावा तक पहुँचना एक बहुत लंबी जर्नी रही होगी, जितनी आसानी से आप कह रही हैं उतनी आसानी से कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्या आपको कभी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा? सच बताऊं तो मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले से, एंड मैं इतनी डेस्पिरेशन कहीं पे भी नहीं दिखाती कि टू गेट समथिंग. आई थिंक व्हेन आई डिजर्व आई ऑलवेज गॉट, एंड जहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा या फिर कुछ मैंने ऐसा कुछ फील आया कि ऐसा कुछ है, तो फिर मैं वहाँ से हट ही जाती हूँ हमेशा, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन टू वर्क इन सच फील्ड, इन अ क्रिएटिव फील्ड, यू नीड अ पॉजिटिव माइंड टू कंसंट्रेट, एंड ऑफ कोर्स इट मींस आप ये कह रही हैं कि आपको भी इस तरह के फालतू बेहुदा प्रपोजल्स आए थे लेकिन आपने उससे किनारा कर लिया. यार जैसे कभी कभी आप चले जाते हो किसी से कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, या जैसे सब हर कोई जानता नहीं है कि कौन कैसा है, राइट, व्हेन यू गो एंड फेस, एंड इट्स लाइक ठीक है, आई मीन लाइक इट्स, मेरे साथ ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं हुआ, मैंने सुना, इतने सारे केसेस देखे हैं, और मैं हमेशा उन लोगों से थोड़ा सा दूर ही रही हूँ, और या ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया सो फार. ओके, और क्या हो रहा है, किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट नेक्स्ट? Yes, I might do a Tamil film first, and after that there are two films in pipelines, I think, which will go on floor next year so far. So once it will be final, then I'll talk about that. Okay, sir, आप तमिल साउथ में आप काम कर रहे थे, आपने कहा तमिल, और बाकी दो फिल्में अगर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकें, क्या वो भी साउथ की है और it is part of Bollywood? It's a part of Bollywood. So the talks are going on, so I don't want to. कोई एक डायरेक्टर गिवन अ चॉइस बिटवीन इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप, किसके साथ काम करना चाहेंगे? मैं अपने आप को कहीं ना कहीं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कहीं ना कहीं रोमांटिक एंड ऑल दैट गर्ल लाइक्स टू टाइप पोजीशन में देखती हूँ खुद को, सो आई थिंक इम्तियाज अली. ओके, वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग वेब सीरीज, जिस तरह से सीक्रेट गेम्स और इस तरह जो आज जो जितना बदलाव आया है डिजिटल सिनेमा में और जिस तरह की क्रांति आई है, मैं कहूंगा क्या वेब सीरीज वगैरह का हिस्सा बनना चाहेंगी जहां न्यूडिटी हो? आई डोंट थिंक सो, बट यस अगर एक्टिंग प्लेटफॉर्म हो इन वेब सीरीज, व्हिच आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉर गुड टॉपिक, देन डेफिनेटली वेब सीरीज आई एम ऑन फॉर. Have you seen Secret Games? Yeah, I have watched. Do you know? Do you have you seen the Cuckoo kirdar, Cuckoo character played by the actress? Yes, she is. Do you find it vulgar? No,
Not really. They have shown it nicely, in a nice way. And it was a demand of that character. Secondly, as long as the actor is comfortable with that role and she is doing well. I mean, she was, I think her name is Kubra. Kubra. Yeah, I know. She's a very fab actor. She did it well. So. Given a choice, if the same character is offered to you, would you be interested in doing it? Because the script demand, the story demand, or you would be as popular as Kubra Sheth is right now? Very honestly, I don't see myself in that type of character. It's my choice. I mean, like, it's my opinion. I don't see myself in that type of character. But yes, in future, like, if that's a very important part of the film, or any project, then let's see how it goes. Thank you so much.